पूर्वोत्तर में जनसैलाब के सामने केजरीवाल ने मचाया गदर। बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने असम में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली और सभी युवाओं को रोजगार देने का रविवार को वादा किया। केजरीवाल ने ये भी दावा किया कि आप सरकार ने 7 वर्षों में दिल्ली का चेहरा बदल दिया और असम में भारतीय जनता पार्टी भी लगभग इतने ही समय के लिए सत्ता में रही है, लेकिन उसने गंदी राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने यहाँ एक रैली में कहा कि दिल्ली और पंजाब में आप सरकारें मुफ्त बिजली दे रही हैं और अगर ये पार्टी असम में सरकार बनाती है तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। उन्होंने असम में सत्ता में आने पर राज्य के सभी बेरोजगार युवकों के लिए नौकरियों का वादा भी किया। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने 7 साल में दिल्ली में 12 लाख लोगों और पंजाब में 1 साल में 28,000 लोगों को रोजगार दिया। केजरीवाल ने राज्य में आप सरकार के गठन के 1 साल के भीतर गुवाहाटी के सभी घरों में पाइप से पानी पहुंचाने का भी आश्वासन दिया। केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ असम के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने गुवाहाटी में रैली को संबोधित भी किया। इससे पहले उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा को दिल्ली अपने आवास पर चाय और दिन के भोजन के लिए आमंत्रित किया। अपने रैली के दौरान उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर की जनता वादों की सरकार से उब चुकी है और आम आदमी पार्टी को आवाज दे रही है। दोस्तों, हमारा देश भारत देश शानदार देश है, महान देश है, महान लोग हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जिस जिसको लगता है प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए हाथ खड़े करें। ये कैमरे वाले जरा दिखा दीजिए कि जिस जिसको लगता है कि अनपढ़ प्रधानमंत्री ठीक है, कोई बात नहीं, वो हाथ खड़े करो। भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। आज 21वीं सदी का भारत है, 21वीं सदी का युवा एस्पिरेशनल युवा है, वो विज्ञान में विश्वास करता है, वो साइंस में टेक्नोलॉजी में विश्वास करता है, वो अपने लिए रोजगार चाहता है, वो भारत की तरक्की चाहता है। भारत की तरक्की कौन कर सकता है? एक पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है। कम पढ़ा लिखा और अनपढ़ आदमी तरक्की नहीं कर सकता। मैंने प्रधानमंत्री जी का एक स्पीच सुना था, कई स्पीच है उनकी, उसमें वो कहते हैं कि मैं केवल गांव के स्कूल में गया था, उसके बाद मेरी कोई शिक्षा नहीं हुई। हमारा देश बहुत गरीब देश है। हमारे देश में किसी का अनपढ़ होना, किसी का कम पढ़ा लिखा होना कोई गुनाह नहीं है। बहुत लोग हैं जो गरीब लोग हैं, अपनी गरीबी की वजह से वो कम पढ़े लिखे हैं, स्कूल नहीं जा पाते, कम पढ़े लिखे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिलती, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री को तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, है कि नहीं है? अब प्रधानमंत्री जी, नोटबंदी, अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कितना खतरनाक बात है। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी में सारे देश में अफरा तफरी मच गई, कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों के धंधे बंद हो गए, कितने लोगों की मौत हो गई। 10 साल पीछे चला गया देश, देश की अर्थव्यवस्था 10 साल पीछे चली गई। किसी ने आके प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ बना दिया, बोले नोटबंदी कर दो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हुआ? किसी ने प्रधानमंत्री जी को आके बेवकूफ बना दिया, बोले नोटबंदी कर दो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हुआ? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते वो कभी नोटबंदी ना करते, कभी नोटबंदी नहीं करते। प्रधानमंत्री जी 3 किसानों के काले कानून लेके आए, पूरे देश के किसानों ने कहा कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, ये कानून खतरनाक है, किसान इस कानून के खिलाफ हैं, सारे देश के किसान बोल रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी को किसी ने जाके बेवकूफ बना दिया कि ये 3 किसानों के कानून। 1 साल तक आंदोलन हुआ, 750 किसान मारे गए। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते
तो काले का किसानों के काले कानून नहीं लेके आते। तो भारत देश को एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है। अगली बार वोट डालने जाओ तो पढ़े लिखे को वोट देना, अनपढ़ को वोट मत देना। आप अपनी कहीं कंपनी में अप्लाई करते हो तो कंपनी वाले कहते हैं ना, इस पोस्ट मैनेजर के लिए, इस पोस्ट के लिए ये डिग्री चाहिए, एमबीए चाहिए, बीए चाहिए, एमए चाहिए। तो अगर अपनी कंपनी के मैनेजर के लिए बीए, एमए, एमए, एलएलबी की डिग्री चाहिए तो देश के टॉप के मैनेजर के लिए भी तो डिग्री होनी चाहिए ना, वो भी तो पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हो, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।